Welcome or welcome back to the LS Academy. My name is Kanak and I'm back with another video on island biogeography. Island biogeography or the theory of island biogeography, start karne se pehle, I would like to discuss what is biogeography. So, biogeography is the distribution of distinct or different species and ecosystems across geological time and space. बेसिकली जो ये थ्योरी है इट वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट मैकथर एंड ई ओ विल्सन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन ऑन न्यूली फॉर्म्ड आइलैंड जो नए आइलैंड्स बन रहे थे उनको इन्हेबिट करने के लिए जो स्पीशीज थी वो क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर कर रही थी उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी जो है वो दी गई थी दिस थियोरी इज ऑल्सो नोन एज मेकारथर एंड विल्सन थ्योरी इक्विलीबियम थ्योरी और इंसिलर बायोजियोग्राफी थ्योरी थ्योरी एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज सो द फर्स्ट वन इज इमीग्रेशन इमीग्रेशन इज़ टू मूव इन याद रखना आई फॉर इमीग्रेशन एंड इन आई फॉर इन सेकेंड वन इज इमीग्रेशन इमीग्रेशन इज़ टू मूव आउट ई फॉर इमीग्रेशन एंड ई फॉर एग्जिट सो थर्ड वन इज़ मेन लैंड मेन लैंड बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर मेन लैंड की बात करेंगे तो इट इज़ द्लेस वेयर द इंडिविजुअल्स दे आर ऑलरेडी लिविंग एंड आइलैंड की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इट विल बी द न्यू एरिया जहाँ पर विच आई विच विल आईदर बी इन्हेबिटेड बाय और लेफ्ट बाई द इंडिविजुअल जो आईलैंड बायोज्योग्राफी थियोरी है वो बेसिकली दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रादर आई शुड से द फर्स्ट वन इज़ दी साइज ऑफ द आइलैंड एंड सेकेंड वन इज़ द डिस्टेंस ऑफ द आइलैंड फ्रॉम द मेन लैंड आइलैंड का साइज बड़ा है या छोटा है एंड दूसरा कि वो आइलैंड जो है वो पास में है मेन आइलैंड के या फिर दूर है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं आईलैंड बायोजोग्राफी थ्योरी के राइट right? सो so, हम लोग uh, जो ये थ्योरी है डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेकर बात करेंगे सो so, पहले जो है अगर हम बात करें इफ़ द आइलैंड इज़ लार्ज दैट मीन्स हम लोग साइज की बात कर रहे हैं जो आइलैंड है वो कंपेरेटिवली मेन लैंड के लार्ज है तो अगर आइलैंड बड़ा होगा वहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा होगी राइट तो इंडिविजुअल जो है वो इजीली मूव कर सकता है वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी रिसोर्सेज जो है अबंडेंटली प्रेजेंट होंगे क्योंकि वहाँ वो बड़ा आइलैंड है तो नया आइलैंड है सो so, जब ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर जाएगा रहने के लिए तो उसे अनलिमिटेड रिसोर्स फॉर द फॉर दैट टाइम रिसोर्सेज जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलेंगे राइट कंपटीशन वहाँ पर कम होगा ठीक है क्योंकि बड़ा आइलैंड है तो डिफरेंट डिफरेंट जगह जो है दे कैन बी ऑक्यूपाइड दैट कैन बी ऑक्यूपाइड बाई दी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सो कॉम्पिटिशन भी वहाँ पर कम होगा सो मेन लैंड से जो स्पीशीज होगा वो मूव करेगा टुवर्ड्स दी आइलैंड सो वी कैन से दैट इमिग्रेशन जो रेट है अगर हम लोग ग्राफ की बात करें ये इमीग्रेशन का एक्सेस uh, है दिस इज फॉर इमिग्रेशन एंड दिस इज फॉर नंबर ऑफ स्पीशीज सो अगर हम लोग देखें रेट ऑफ इमिग्रेशन इज़ हायर एज कम्पेयर टू रेट ऑफ इमिग्रेशन बड़े आईलैंड से में इंडिविजुअल जाना चाहेगा ना कि वहाँ से बाहर आना चाहेगा सो रेट ऑफ इमिग्रेशन इज हायर देन रेट ऑफ इमीग्रेशन नेक्स्ट केस इज अगर आइलैंड जो है वो छोटा है मेन आइलैंड बड़ा है और जो दूसरा नया आईलैंड है वो छोटा है ऑब्वियसली अगर छोटी जगह है रिसोर्सिस की कमी होगी अगर स्पीशीज वहाँ जाकर रहने लगेगा छोटे आइलैंड की वजह से वहाँ पर कंपटीशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा सो so, वो लोग प्रेफर नहीं करेंगे वहाँ पर जाने के लिए तो अगर हम लोग इस ग्राफ से देखें रेट इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन का रेट अगर हम लोग चेक करें तो ऑब्वियसली इमिग्रेशन का रेट जो है एमिग्रेशन से कंपेयर करें तो वो कम होगा दैट मीन्स वहाँ पर Uh, जो इंडिविजुअल है वो कम जाना चाहेगा इसीलिए जो रेट है इमिग्रेशन का इट इज़ लेस देन दी इमिग्रेशन द थर्ड केस इज़ इफ दी आइलैंड इज़ फार अवे अब हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे जो आइलैंड है वो बहुत दूर है मेन आइलैंड से ओब्वियसली अगर एक आइलैंड है चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है लेकिन वो दूर है तो हम लोग प्रेफर करेंगे यार पास वाली जगह चले जाते हैं तो स्पीशीज़ भी वही करेगा उस आइलैंड को प्रेफर करेगा जो पास में होगा रादर देन दूर होगा इसीलिए वहाँ पर इमिग्रेशन रेट जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू एमिग्रेशन रेट राइट एक्सटेंशन ज्यादा होगी मतलब वहाँ पर स्पीशीज जो हैं वो कम जाना प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू मेन लैंड सो एमिग्र सॉरी इमिग्रेशन रेट विल बी लेस एज कम्पेयर टू द एमिग्रेशन रेट द फोर्थ एंड द लास्ट केसेज वेन द आईलैंड इज नियर बाय अब कोई जगह अगर पास में है तो ऑब्वियसली हम लोग उस वहीं पर जाना प्रेफर करेंगे सो so, अगर जो मेन लैंड है उसके पास में ही एक नया आइलैंड है तो ऑब्वियसली जो वहाँ के स्पीशीज़ होंगे वो प्रेफर करेंगे हम जल्दी से उस जगह जाकर इन्ेबिट कर, कर लें उस जगह को इन्हीबिट कर लें सो so, अगर हम ग्राफ से ग्राफ की हेल्प से हम लोग देखें तो रेट ऑफ़ इमिग्रेशन विल ऑब्वियसली विल बी हायर एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ इमाइ्रेशन राइट तो अगर हम लोग इस ग्राफ को कंबाइन करके देखें तो पहले अगर मैं बात करूं, अगर आइलैंड जो है वो फार अवे है तो हम देख सकते हैं जो इमिग्रेशन रेट है वो कम है राइट और अगर जो आइलैंड है वो पास में ही है तो इमिग्रेशन रेट इज हायर अगर हम लोग लार्ज आइलैंड की बात करें ठीक है अगर लार्ज आइलैंड की बात करें तो उसका एक्सटेंशन रेट या फिर इमि, सॉरी इमिग्रेशन जो है वो जो है वो कम होगा राइट right? यहाँ पर लोअर है और अगर हम लोग स्मॉल आइलैंड्स की बात करें तो उसका एक्सटेंशन रेट या इमिग्रेशन uh, रेट जो है वो हायर है दैट ऑर्गेनिजम्स उस छोटे आइलैंड से बाहर जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू वहां पर इनहेबिट करना ठीक है नाउ अब जो मैं एक्सप्लेन करूंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो so, हम लोग यहां ये पॉइंट्स देख सकते हैं राइट ये पॉइंट्स जो है वो दो ग्राफ्स को मिलाकर बने हैं ठीक है अगर हम लोग इस फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करें ये वाला पॉइंट जो है हम लोग देख सकते हैं ये वाला पॉइंट जो है जहां पर फार आइलैंड का ग्राफ एंड स्मॉल आइलैंड का ग्राफ जो है जहां पर इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है ये वही पॉइंट है राइट फार आइलैंड एंड स्मॉल आइलैंड का जो मीटिंग पॉइंट है ये वो वाला पॉइंट है सो so, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ये केस क्या है जो आइलैंड है वो फार है प्लस स्मॉल uh, है ठीक है फार प्लस स्मॉल आइलैंड तो हम लोग देख सकते हैं अगर मैं आपको ग्राफ की कॉन्सेप्ट की बात करूं अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो ग्राफ्ट ग्राफ जो है हम लोग किस तरीके से करते हैं ये पॉइंट जीरो होता है दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन राइट तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये सबसे पीछे है ठीक है दैट मीन्स ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो सबसे कम है दैट मीन्स अगर हमारा जो आइलैंड है वो फार है और स्मॉल है तो सबसे ज्यादा लीस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज वहां पर प्रेजेंट होंगे लीस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज राइट right? अब ये हमारा है सेकेंड केस एंड ये है हमारा थर्ड केस ये सेकेंड केस की अगर मैं बात दिस इज फॉर केस अगर मैं सेकेंड केस की बात करूं तो ये भी जो है ये स्मॉल आइलैंड से बना है स्मॉल आइलैंड का ग्राफ प्लस नियर आइलैंड का ग्राफ जो है इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है जो हमारा सेकेंड पॉइंट है स्मॉल आइलैंड एंड नियर आइलैंड का मीटिंग पॉइंट है ठीक है तो यहां पर एंड और यहीं पर देखिए यहाँ पर ये यह दोनों इक्वल हम लोग कह सकते हैं ये दोनों इक्वल uh, कह सकते हैं डिस्टेंस पे हैं या फिर सेम uh, जगह पर है तो हम थर्ड केस भी यहीं पर कंसिडर कर लेते हैं ये जो थर्ड केस है वो ग्राफ लार्ज आइलैंड के ग्राफ से लार्ज प्लस फार आइलैंड ठीक है फार आइलैंड से बना हुआ है तो इन दोनों में कंपैरेटिवली इसके ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होंगे बट इन दोनों में आपस में इक्वल नंबर ऑफ स्पीशीज है ठीक है ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है आइलैंड स्मॉल है लेकिन पास है और आइलैंड लार्ज है लेकिन दूर है तो स्पीशीज जो है मोर और लेस इक्वली तरीके से उसको प्रेफर कर सकते हैं वहां जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते लेकिन जो आइलैंड फार है और छोटा है उसको तो सबसे कम प्रेफरेंस पे रखेंगे ठीक है अब हमारा फोर्थ केस आता है फोर्थ केस में क्या है ये फोर्थ केस वाला जो पॉइंट है वो हमारा लार्ज आइलैंड के ग्राफ से मिलकर बन रहा है लार्ज प्लस नियर बाय आइलैंड ठीक है तो स्पीशीज को और क्या चाहिए जो आइलैंड है वो बड़ा भी है उसमें काफी जगह है रिसोर्सेज है कंपटीशन कम होगा और ज्यादा एनर्जी भी नहीं उसको खर्च करनी पड़ेगी उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए वो बहुत ही पास है सो so, दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स है यहां पर आइलैंड इज लार्ज प्लस आइलैंड इज नियर सो वहां पर इनहेबिटेशन जो है वो मैक्सिमम होगी ठीक है सो so, फाइनली अगर मैं इनहेबिटेशन देखू सबसे कम इनहैबिटेशन या नंबर ऑफ स्पीशीज किसमें होगा स्मॉल प्लस फार वाले आइलैंड पे उसके बाद नेक्स्ट हमारे दो केसेस हैं स्मॉल प्लस नियर एंड लार्ज प्लस फार इसमें ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे और सबसे ज्यादा इनहेबिटेशन मैक्सिमम इनहेबिटेशन किस वाले आइलैंड पे होगी लार्ज प्लस नियर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2021 वाले मॉर्निंग शिफ्ट में आया था सो यही कॉन्सेप्ट था यही कॉन्सेप्ट लगना था और आप लोगों को अरेंज करना था और बताना था कि मैक्सिमम uh, इन्ेबिटेशन जो है वो कौन से वाले आइलैंड पे होगी या इस तरीके से कंडीशन दी हुई थी और आप लोगों को सिर्फ बताना था स्पीशीज जो है सबसे ज़्यादा किसमें होंगे और सबसे कम किसमें होंगे बस इस ग्राफ का और हम कहेंगे जो थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजोग्राफी है वो यही है हम लोगों को आइलैंड्स की कंडीशन पे उसके दो कंडीशंस जो कि उसका डिस्टेंस है एंड उसका साइज है उसके बेसिस पर बताना है कि इनहैबिटेशन जो है वो किस तरीके से अफेक्ट होगी ठीक है सो द लास्ट थिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग आइलैंड बायोजोग्राफी कुछ और फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं आईलैंड बायोजियोग्राफी को दीज आर कॉम्पिटिशन दैट मीन कॉम्पिटिशन आइलैंड पे कम होना चाहिए रिस्क टू लाइफ रिस्क ऑब्वियसली कम होना चाहिए एंड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है अबांडेंट होनी चाहिए तभी स्पीशीज जो है वो उस वाले आइलैंड uh, पे जाना प्रेफर करेंगे अपार्ट फ्रॉम डिस्टेंस एंड साइज दीज आर दी अदर फैक्टर्स